देख लीजिए भंवर जितेंद्र सिंह और टीकाराम जूली कैसे बागेश्वर वाले बाबा यानी धीरेंद्र शास्त्री के आगे नतमस्तक हो रहे हैं, और ये उसी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं जो हमेशा इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों को बीजेपी का एजेंडा बताती है और करती है कि बीजेपी जीतने के लिए धर्म का सहारा लेती है, समुदाय विशेष को आपस में लड़ाती है। लेकिन अब इस दृश्य को देखकर क्या ही कहा जाए, ये पहला मौका नहीं जब अलवर में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में भंवर जितेंद्र सिंह नजर आए। इससे पहले आयोजित हुए शिव महापुराण में भी भंवर जितेंद्र सिंह दिखाई दिए। धीरेंद्र शास्त्री की कथा शुरू होने से पहले ही पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और गहलोत सरकार में मंत्री टीकाराम जूली कार्यक्रम में पहुंचे और करीब 3 घंटे से ज्यादा बैठकर कथा सुनी। इतना ही नहीं, कथा के बाद जितेंद्र सिंह के बुलावे पर धीरेंद्र शास्त्री भंवर जितेंद्र सिंह के आवास यानी फूलबाग भी पहुंचे, जहां उन्होंने धर्म सभा भी की। इस दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने सनातन को लेकर कई बड़ी बातें कही। अब बागेश्वर वाले बाबा जहां अपना दरबार लगा रहे हैं तो उस जगह भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इस दरबार में कथा के दौरान आम लोगों और भक्तों के साथ एक महिला पुलिसकर्मी भजन की धुन पर नाचती हुई नजर आई। मंच के पास ड्यूटी पर तैनात इस महिला पुलिसकर्मी के डांस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए। आपको बता दें कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री फिलहाल अलवर में हनुमान कथा कर रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री के बयान हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। कथा के दौरान जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनको कागजों में हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, लोगों के मन में हिंदू राष्ट्र की भावना चाहिए और लोगों के मन से डर समाप्त करना चाहते हैं। आमतौर पर धीरेंद्र शादी की बातें चर्चा में बहुत रहती हैं। अलवर पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री से जब इस बारे में बात की तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि शेरवानी तैयार रखो, जल्दी ही शादी करूंगा। आपका धीरेंद्र शास्त्री को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।